भारत के अभिनंदन जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। कुछ लोग बदनसीब भी हुआ करते हैं, जिसमें रविंद्र कौशिक का नाम सबसे ऊपर है। ये जाबाज इंसान थिएटर में काम करते करते भारत का रॉ एजेंट बन गया, और एजेंट बनकर इसने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान में दाखिल होने का फैसला कर लिया। जिस गलती का एहसास रविंद्र को कुछ सालों बाद हुआ, वो इसलिए क्योंकि भारत सरकार की नाकामयाबी ने उसकी जान ले ली और ये ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाज कर उसे भूल गए और छोड़ दिया ब्लैक टाइगर को पाकिस्तान सरकार के हवाले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया दायमा। स्वागत करती हूं आप सभी का हिंद नाउ में। इस वीडियो में आप जानेंगे कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, इसकी पूरी सच्चाई, वो भी ब्लैक टाइगर से जुड़ी कहानी के जरिए। रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर, राजस्थान के श्री गंगानगर से ताल्लुक रखने वाले रविंद्र को थिएटर का बड़ा शौक था और यही शौक उन्हें लखनऊ ले गया। थिएटर में परफॉर्म कर रहे रविंद्र पर एक रॉ एजेंट की नजर पड़ी और उसने रविंद्र को देश के लिए काम करने का ऑफर दिया, जिसे बिना देरी किए रविंद्र ने अपना लिया और दिल्ली में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू भाषा और मुस्लिम तौर तरीकों से रहना सिखाया गया। सब कुछ सीखने के बाद सन 1975 में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। अब जाहिर सी बात थी कि पाक भेजने के बाद उनका नाम भी बदला जाना था, सो भारत से पाक जाकर रविंद्र बन गए नबी अहमद, जिसके बाद भारत में उनके नाम पर मौजूद सभी सबूत और दस्तावेज मिटा दिए गए ताकि किसी को भी किसी तरह का शक ना हो, वरना उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र ने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने की परीक्षा दी, जिसके बाद उन्हें आर्मी में रिक्रूट कर लिया गया। इसके बाद अपनी मेहनत के दम पर मेजर के पद पर रविंद्र पहुंच गए। अपने काम को सफाई से करने के साथ ही रविंद्र ने पाकिस्तान में अमानत नाम की लड़की से शादी भी की ताकि उन पर किसी को भी शक ना हो। जिस काम के लिए रविंद्र नबी बनकर पाकिस्तान में गए थे, वहां पहुंचकर उन्होंने भारतीय सेना को कई अहम जानकारियां दी, जिसके चलते कई बार पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र की खुफिया रिपोर्ट्स के चलते हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अपने इसी बेबाक अंदाज के लिए रविंद्र को भारत में ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि ये नाम उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। जब भारत की सेना को लगा कि अब रविंद्र की वापसी जरूरी है, तो उन्हें वापस बुलाने के लिए भारत के रॉ एजेंट इनायत मसीहा को 1983 में भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान आर्मी ने उसे पकड़ लिया और थर्ड डिग्री टॉर्चर के चलते रविंद्र का नाम उसको बताना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने रविंद्र को पकड़ लिया और उन पर देशद्रोह जासूसी का मुकदमा चलाया, जिसके बाद रविंद्र के साथ जो हुआ उसे बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। रविंद्र को काफी दर्द देने के बाद भी उन्होंने अपने देश से जुड़ी कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई। रविंद्र ने भारत में खत लिखकर अपनी बीमारी के बारे में सभी को बताया और अपनी आखिरी इच्छा भारत की जमीन पर दम तोड़ने की बात भी लिखी, मगर भारत सरकार की तरफ से रविंद्र को बचाने के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद साल 2001 में टीबी और दमे की बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई और उनकी आखिरी इच्छा को पाकिस्तान की मुल्तान की जेल के पीछे ही दफना दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप ब्लैक टाइगर और भारत सरकार की लापरवाही को लेकर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हिंद नाउ को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।